राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे नगर व प्रदेश का गौरव अक्षय कुमार तिवारी के पास समाचार अड्डा की टीम पहुंची, उनके अनुभव को जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं पूरी चर्चा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने जा रहे अक्षय तिवारी बात कर रहे हैं समाचार अड्डा की टीम के साथ। मेहनत रंग लाती है ले आई, एक बड़ा सम्मान मिलने को जा रहा है, राष्ट्रपति स्वयं सम्मानित करेंगे। विद्यार्थी जीवन का एक बड़ा समय सामाजिक सरोकार में बिताने के बाद अब समय आया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने जा रहा है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब तक की यात्रा कैसी रही, क्या कुछ खोया, कितना पाया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अक्षय कुमार तिवारी, जिन्हें जल्दी ही NSS अवार्ड मिलने वाला है। उनसे जानते हैं कि उनकी अब तक की यात्रा कैसी रही और किन उतार चढ़ावों का उन्होंने अब तक सामना किया। तो अक्षय, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, एक बड़ा सम्मान आपके लिए मिलने जा रहा है, कैसी रही शुरुआत? बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। निश्चित ही शुरुआत तो हर चीज की शून्य से होती है, शून्य से शिखर तक की जो परिकल्पना है हर जगह अप्लाई होती है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना से रूबरू होने का मौका 2015 में मिला, जब हमने कक्षा 11 में प्रवेश लिया और नवांकुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बेसमेंट हॉल में NSS का उन्मुखीकरण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम पहुंचे, नॉर्मल कार्यक्रम अटेंड किया, समोसा मिला, तो एक एक्साइटमेंट जागी कि शायद NSS के हर कार्यक्रम में एक कुछ नहीं तो एक समोसा तो मिल ही जाता है, तो समोसे की महक से अट्रैक्ट हुए। और फिर एक्टिविटीज चलती रही, सभी एक्टिविटीज में सहभागिता करते थे, फिर धीरे धीरे सक्रियता के साथ सहभागिता करने लगे और एक जुनून बन गया कि नहीं, अब कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। और एक सुकून मिलता था, एक सेटिस्फेक्शन, अलग ही खुशी मिलती थी जब भी हम एक्टिविटीज करके आते थे। अगर हम कोई जागरूकता रैली में जा रहे हैं तो आज हमने जागरूक किया। जागरूकता रैलियाँ जब भी आयोजित की जाती थी तो मैं अक्सर बैंड ग्रुप में होता था और आगे चल के बड़ा लीड बैंड होता था, बड़ा, तो स्कूल के दल का बड़ा बैंड बजाया करता था। तो सबसे आगे चलते हुए अलग अलग ही एक्सपीरियंस होता था। जागरूकता रैली में पूरे नगर में घूमते थे और पूरे नगर में घूमते हुए लगभग 500 से 1000 लोगों को तो एटलीस्ट जागरूक करते ही थे, क्योंकि वो इतने लोग कॉन्टैक्ट में आते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था। इस तरह से शुरुआत हुई थी हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सफर की। तो अब ये सफर डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहा है। काम करते समय कभी सोचा था कि इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा, या फिर कोई काम ही ऐसे इसलिए किया हो कि शायद हमें सम्मान मिले, तो ऐसी कई धारणा आपके बजाय मन में रही थी क्या? सर्व ऐसा थॉट कभी नहीं होता है। मतलब यूजुअली जो भी वॉलेंटियर्स या जो भी स्टूडेंट्स NSS ज्वाइन करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है कि NSS अवार्ड ऐसी कोई चीज़ होती है। मतलब NSS ज्वाइन करने के पीछे का मोटिव वही होता है कि सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क की साइड थोड़ा सा झुकाव, और हम जो भी एक्टिविटीज़ करें उससे सामने वाले समुदाय को कितना फर्क पड़ रहा है, उससे उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन की, उसमें काम करना शुरू किया, और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जब बड़ी उपलब्धियां मिलने लगी उसके बाद ही हम रूबरू हो पाए कि हाँ, NSS अवार्ड्स ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और पूर्व में इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार बोला जाता था, लेकिन अब उसका नाम राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है। तो जब उपलब्धियों की श्रृंखला लंबी होती गई, शून्य से शून्य का सफर अनंत की ओर और शिखर की ओर बढ़ने लगा, तब समझ आया कि ऐसे कई पुरस्कार हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत भी किया जाता है। फिर नाम जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा नॉमिनेट किया गया, उसके पश्चात हमें आवेदन बनाने को कहा और आवेदन तैयार किया, और आज फलस्वरूप हमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अच्छा, अक्षय, हम देखते हैं कि वो NSS वाले तो बड़े गांवों में जाते हैं, नालियां वगैरह साफ करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, तो क्या तुमने भी ऐसे कभी काम किया है?
बिल्कुल सौरभ, ऐसा होता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की मुख्य परिकल्पना ये है कि स्वयं सेवक उस समुदाय को समझे जिस समुदाय में वो रहते हैं, उस कम्युनिटी को जाने। तो मूलतः हमें उस समुदाय के बीच में ही रहकर काम करना होता है। संस्था में तो हम कई गतिविधियां कर लेते हैं, हॉल वाले प्रोग्राम, बड़े बड़े सेमिनार्स, वेबिनार सब हो जाते हैं, लेकिन जब भी कुछ जमीन से जुड़े काम की बात आती है, फील्ड वर्क की बात आती है, तो हमें समुदाय में जाना होता है। और निश्चित ही हर एक स्वयं सेवक ने अनुभव किया होगा, झाड़ू लगाने से लेकर फर्श उठाने से लेकर या समुदाय में जाके फावड़ा उठाकर गड्ढे करना या कीचड़ उठा के नालियां साफ करना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। ये स्वच्छता अभियान का एक नियमित गतिविधि का एक भाग होती है। तो प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों ने ये सब तो अनुभव किया ही होता है। अच्छा, मतलब तुमने वो सब कार्य किए हैं जो हमने अभी शुरुआत में बात की। अच्छा, ऐसी कोई विशेष गतिविधि जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहें, जिसे सुनने में हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट जागे, लगे कि नहीं यार कोई बात तो है इसमें। बिल्कुल सौरभ, जब हम उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में पहुंचे तो वहां पे एनएसएस के कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग था। जिस तरह से स्वयं सेवक कार्य करते थे, समुदाय के बीच में जाते थे, अलग तरह से जागरूकता गतिविधियां संचालित होती थी, तो बहुत बड़ा अंतर सा दिखा और एक अलग ही उत्साह था कि नहीं, एक कुछ ना कुछ तो करना है हमें अपने सोसाइटी के लिए, जिस नेशन में हम रह रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कुछ तो हम सहभागिता कर सकें, उसके योगदान दे सकें, उसके राष्ट्र निर्माण में। खुशी अच्छी होती थी कि जब भी कुछ उपलब्धि मिल जाती थी, उपलब्धि इन द सेंस कोई काम करते थे उसके बदले में हमें अप्रिशिएशन मिलता था, तो उससे बहुत काफ़ी खुशी होती थी। क्योंकि स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा अप्रिशिएशन किसी ऐसे बच्चे को मिलता है जो एक छोटे शहर से गया हो, तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, तो बहुत अच्छा लगता था, एक मोटिवेशन मिलता था। हमारे सीनियर्स ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। गतिविधियों की शुरुआत ऐसे की कि हमारे वरिष्ठ स्वयं सेवक हैं श्री आदित्य मिश्रा, उन्होंने एक नवाचार की शुरुआत की, उस नवाचार को लीड दी, उस नवाचार को एक गति प्रदान की। और वो ये था कि हमने एक गोद बस्ती बस्ती को गोद लिया हुआ था, वो बस्ती का नाम ईश्वरनगर बस्ती है। ईश्वरनगर बस्ती को संस्था की ओर से गोद लिया गया था और उस गोद बस्ती में हम लोग सभी गति जागरूकता गतिविधियां संचालित करते थे। मतलब मेन मोटिव ये होता था कि उस बस्ती को पूरा हम लोग को डेवलप करना है 1 साल के अंदर। 1 साल के लिए टारगेट पूरा प्लान होता था, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज संचालित करते थे। तो उसमें सर्वप्रथम निःशुल्क साक्षरता कक्षा की शुरुआत की, एक स्कूल टाइप का खोला कि वहाँ पे बस्ती में लगभग 150 बच्चे थे लगभग, और उनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे थे, 70% बच्चे कोई शिक्षा नहीं ले पा रहे थे। उन बच्चों के लिए निःशुल्क साक्षरता कक्षा की शुरुआत की। हम सभी वॉलेंटियर्स ने ही, कॉलेज के बच्चों ने ही एक आपस में ग्रुप बनाया और एक शेड्यूल डिसाइड किया कि किस दिन कौन बच्चा जाएगा, उन बच्चों को पढ़ाएगा। तो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देने की एक शुरुआत की। उसके बाद में उस बस्ती में हम लोग जागरूकता गतिविधियां संचालित करते थे, चाहे वो एड्स जागरूकता से संबंधित हो, रक्तदान से संबंधित हो, स्वच्छता से संबंधित हो, वृक्षारोपण से संबंधित हो, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण से संबंधित हो। इवन गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने अपने नेतृत्व में एक अलग अभियान शुरू किया, क्योंकि तो हम देखते हैं कि कई बार एनीमिया की कमी से प्री मैच्योर डिलीवरी और माल न्यूट्रिशन जैसे केसेस सामने आ जाते हैं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हेल्थ को दृष्टिगत रखते हुए हमने एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की, और उसके अंतर्गत 27 से ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमने गंज बासुदा नगर के आसपास के समुदाय की और भोपाल ईश्वर नगर बस्ती के समुदाय की भी महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड और फेरस सल्फेट की टेबलेट्स प्रोवाइड कर आंगनबाड़ी के सहयोग से उनको एनीमिया फ्री बनाने में सहयोग किया। अच्छा, काफी लंबी चर्चा होने वाली है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इस माइक को जरा हम साइड में रखे देते हैं ताकि लंबी चर्चा की चर्चा तो ये तो हमारी बात हो गई आपके जो एक जर्नी, एक शुरुआत में जो जर्नी तैयार हुई उसके बारे में। लेकिन जैसा शुरुआत, जैसा भी हम बात कर रहे थे, तुमने बताया कि छोटे से शहर से जाके भोपाल में फिर कहानियां जमाना, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आप गंजवासुदेव जैसे एक ज्यादा विकसित शहर, जिसे हम नहीं कह सकते, भोपाल में अपने आप को कैसे मैनेज किया? मैनेज करने जैसे ऐसी कोई पॉइंट रहा नहीं सामने, क्योंकि जैसे नॉर्मल हम यहाँ रहते हैं वैसे ही लाइफस्टाइल थी। कॉलेज का थोड़ा सा रूटीन अलग था, पढ़ाई की साइड ज़्यादा ओरिएंटेशन रहता है, कॉलेज में क्लासेस रेगुलर होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा जोर देना पड़ता था कि पढ़ाई को मैनेज करना है, किसी भी तरह क्लास मिस ना हो। अगर NSS में कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं तो क्लास को भी मैनेज करना है, क्लास में जो पढ़ाया गया है उसका भी फ्रेंड से पता करना है ताकि वो होमवर्क या टेस्ट के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि अभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं क्लास में।
तो इन चीजों की थोड़ा सा चैलेंज था, लेकिन उसके साथ में और भी ऐसे कई सारी चीजें मिलती थी जिसके माध्यम से हम गतिविधियां संचालित करते जाते थे। ये तो एक शुरुआत थी, क्योंकि गांव गलियारों से लेकर बासुदा की इन गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर, और उस शाही राजपथ पे मार्च करने का सफर जिसपे पहले ब्रिटिश काल में राजा महाराजा और वाइसरॉय बग्घी में जाकर मतलब जाया करते थे राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन के विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर हमने मार्च किया, और इंडिया गेट से लेकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक ये सफर चला। हाँ, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसकी क्या कहानी है, इसको तो बिल्कुल जरा अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक सवाल जो मैं अभी थोड़ा, जिसका जवाब मैं थोड़ा रुका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, हाँ कि जो तुम्हारा कॉलेज था हाँ उसमें तो भाई बड़े बड़े आदमियों के सुना, मंत्री वगैरह के लोग बच्चे पढ़ाई करते थे, तो वो तो भाई हाँ बड़े कार वगैरह से आते होंगे, और हाँ तुम ठहरे बासुदा के, तो हाँ तुम्हारे पास तो शायद उस समय, अभी तुम्हारे घर वाले बता रहे थे तुम्हारे पास तो कोई वाहन भी नहीं था वहां तक हाँ जाने के लिए, बिल्कुल तो वो कॉलेज में वहां से जो तुम बुआ के घर, जो तुमने बताया वहां पे हाँ रहते थे, वहां से कॉलेज तक जाने का सफर कैसे तय करते थे, और कितनी दूरी तुम्हारे कॉलेज और वहां की रहती थी, ये जरा बताइए हमें। एग्जैक्टली हमारा कॉलेज चूनाभट्टी चौराहे से 2.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है, और बस चूनाभट्टी तक चली जाती थी, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता था। जब शुरुआत की कॉलेज की तो हमने वहीं उसी एरिया में हॉस्टल देखा, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक कुछ स्वास्थ्य के साथ समस्याएं हुई, मुझे टाइफाइड रिटर्न अटैक पड़ा था टाइफाइड का, तो काफ़ी सीवियर कंडीशन थी, बहुत वीकनेस हो गई थी, और उसमें ऐसा होता है कि उबला खाना खाना होता है कुछ एक निश्चित पीरियड तक, तो उस चीज़ की समस्या हो रही थी। लंच मैं बाहर से मंगवाता था, फिर मैं बुआ के घर स्टे किया मैंने। अब मेरी बुआ भोपाल में रहती हैं अयोध्या बाईपास पे, लेकिन दिक्कत ये थी अयोध्या बाईपास से कोलार चूनाभट्टी 21 किलोमीटर का दूरी होती अरे थी, बाप और उसमें कोई भी ऐसी डायरेक्ट बस नहीं थी, मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं था, और इतना एक व्हीकल अगर घर से जब जरूरत पड़ती थी तो लेते भी थे, लेकिन ये था कि फिर इतना पेट्रोल इतने रिसोर्सेस क्यों बर्बाद करें जब हम उस काम को अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अयोध्या बाईपास से एमपी नगर तक एक बस से आया करते थे, एमपी नगर से चूनाभट्टी चौराहे तक, फिर चूनाभट्टी चौराहे से पैदल जाते थे 2.5 किलोमीटर का रास्ता। तो ये पूरा शुरुआत के 2.5 साल ये किया। उसके बाद में जब कॉलेज के अंतिम दिन चल रहे थे, तो उस समय में क्या हुआ कि चूनाभट्टी चौराहे से कॉलेज तक के लिए भी बस चालू हुई, लेकिन उस बस में ज़्यादा सफ़र करने का अवसर नहीं मिल पाया हमको, मुश्किल से 15-20 दिन ही सफ़र कर पाए होंगे, फिर कोविड का लॉकडाउन हुआ और संस्थाएं बंद हो गई, तो इस तरह से हम आना जाना मैनेज करते थे। मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मैंने अपना सफ़र किया, बस के माध्यम से हम जाया करते थे, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी, मेरे कई दोस्त हैं, एक फ्रेंड है शुभम, तो उसके साथ चले जाया करते थे, और इस तरह से सफ़र चलता है। हालांकि ये छोटे शहर के जो हम बच्चे होते हैं उनको व्यवस्थाएं जमाने की बढ़िया एक, मतलब कहना चाहिए कि एक समझ हो जाती है कि किसके साथ कैसे चलना है, ये सब हम जानकारी हो जाती है, तो बढ़िया था सफर। तुम्हारी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हो तुम, तो ये सब कहाँ से आया? हम एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं, हमें चेंज देखना नहीं, हमें चेंज लाना है, मतलब वी डोंट नीड टू बी चेंज सीकर्स, वी नीड टू बी चेंज मेकर्स। हमें चेंज मेकर बनना है, चेंज सीकर नहीं बनना है। तो शुरुआत हमें अपने स्तर पर ही करना होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपन लोगों को बोलते हैं पौधा लगाओ पौधा लगाओ, लेकिन वो नहीं लगाते हैं, तो हम खुद ही लगाए ना एक पौधा। एक मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा शुरुआत में तो हमने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था, लेकिन जब ये ऐसा आवेदन की प्रक्रिया आई, पुरस्कार के लिए भी आवेदन करना है तो उसमें पूरा डेटा देना होता है, फिर उसके बाद में संस्था के पास रिकॉर्ड था तो वहाँ से रिकॉर्ड लिया, और हमारे जितने व्यक्तिगत पौधे हमने लगाए उनकी संख्या हम नोट करने लगे थे कुछ समय बाद, क्योंकि हर एक एनएसएस वॉलेंटियर को एक डायरी दी जाती है, उसे उसका डायरी का संधारण करना होता है, उसमें हर एक चीज़ नोट करनी होती है कि किस एक्टिविटी में सहभागिता की, कितने घंटे एक्टिविटी की, और क्या क्या किया उस गतिविधि में। तो कुल मिलाकर ऐसे मैंने 350 से अधिक पौधे अभी तक रोप दिए हैं, और उनमें से लगभग 300 से अधिक पौधे सुरक्षित हैं। तुम्हारी एक चीज हमें बहुत बढ़िया लगी, ये जो हमारे साथी हैं समाचार अड्डा के, उनको भी समझना चाहिए कि बदलाव हमें सोचना नहीं है बल्कि लाने के लिए जो पहल हम कर सकते हैं वो करते चलें, तो इससे कहीं ना कहीं जब हम एक व्यक्ति करेगा तो सभी लोग करते चलेंगे। बिल्कुल श्रृंखला ऐसे ही तैयार होती है, क्योंकि शायद अगर हम आज आइडियल सेट करेंगे तो हमारे जूनियर्स या हमें देखने वाले लोग हमसे शायद इंस्पायर हो जाएं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कोई एक वॉलेंटियर या कोई एक स्टूडेंट भी इंस्पायर होता है, एक जूनियर भी इंस्पायर होता है, तो हमारे लिए अचीवमेंट होगा, क्योंकि हम एक किसी एक को इंस्पायर कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना होंगी बदलाव लाने के लिए, छोटी छोटी कोशिशें करना होंगी। वेरी गुड, ये बहुत सही है।
कोशिशें करते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश करने वाले को ही बड़ी मंजिल मिलती है। छोटे छोटे पड़ाव जब हम पार करते हैं तभी हम कुछ बड़े कीर्तिमान रच पाते हैं, ऐसा सोचना है कि अनुभव भी है कि हाँ। ये चीज देखी भी है थोड़ा सा कि जब छोटी छोटी स्टेप्स लेते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, तभी हम किसी बड़े मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और बड़ा कुछ बदलाव लाना है तो हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं। मतलब बोलो कम करो ज्यादा, इस थॉट पे थोड़ा अगर स्टिक रहेंगे तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। अच्छा, जो शायद तुम्हारे जीवन में भी यही है कि तुमने बोलने से ज्यादा काम करने पे ध्यान दिया है, इसीलिए तो ये इतने सारे अचीवमेंट्स हम देख पा रहे हैं। और जो कहते हैं ना डिसेंट व्यक्ति, एकदम शांत व्यक्ति, लेकिन अंदर से जब काम करता है तो एकदम बहुत भूखा आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ तुम्हारे बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो निकल के आया। राजपथ पर चलना हो या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो, सब जगह ही तुम्हारे नाम का डंका खूब बजा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंचने की क्या यात्रा रही, उसके बारे में अगर हम जरा चर्चा करेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। बिल्कुल, प्रतिवर्ष ऐसा होता है कि भारत से कुछ चुनिंदा युवाओं को भारत सरकार चयनित करती है और उनका एक डेलीगेशन भेजा जाता है विदेशों में, ताकि द्विपक्षीय संबंध, बायलेटरल रिलेशंस दो देशों के बीच में सुधर सकें, युवा अपने स्तर पर प्रयास कर सकें, जो यहाँ पर होता है वो वहाँ पर बता सकें, और जो वहाँ पर अच्छी नीतियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको सीख कर भारत सरकार को सुझाव दे सकें। तो इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेरा चयन अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ। भारत की युवा राजदूत के रूप में चयन हुआ, तो हम भारत सरकार की युवा राजदूत के रूप में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर 12-15 दिन का डेलीगेशन होता है, उसमें सभी गतिविधियों को देखते हैं, वहाँ पे किस तरह से शासन किया जाता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई किस तरह से होती है, वहाँ पे सोशल वर्क में कैसी संस्थाएं काम करती हैं, वहाँ पे मीडिया सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ों को जानने समझने का एक अवसर मिलता है। वहाँ के युवाओं से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, यूथ एक्सचेंज होता है, तो इन सब चीज़ों से एक ओवरऑल ग्रूमिंग होती है, एक बहुत सारे हमको इंसाइट्स मिलते हैं कि किस तरह से हम अपने देश में सुझाव दे सकते हैं और किन चीज़ों को हम अगर भारत में इंप्लीमेंट करें तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो हमको, जिन ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें भेजा जाता है, और उसमें सौभाग्यशाली हूँ कि भारत सरकार ने मेरा चयन किया और मुझे चीन में भारत के नेतृत्व करने का मौका मिला। अभी जो हमारी बातें हो रही हैं वो कई लोगों के सर के ऊपर से जा सकती हैं, तो अभी जो तुम्हें एनएसएस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी, जिसको सुन के लगे कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंच सकता है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, हर कोई व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंच सकता है ऐसा, क्योंकि जब भी मैंने एनएसएस शुरू किया तो मेरा कभी गोल नहीं था कि ऐसा या उधर तक पहुंचना है, या हमें तो जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मौका मिलता है एनएसएस के माध्यम से। जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए और जब समझने की कोशिश की तब पता चला, ये पुरस्कार भारत सरकार उन स्वयंसेवकों को देती है जो कुछ बदलाव लाने के लिए उन्होंने कुछ अलग किया हो, समाज में कुछ अलग अलग जगाई हो, एक कुछ नवाचारों के माध्यम से, इनोवेशन बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए कुछ इसी तरह की कोशिशें थी हमारी भी, और उन कोशिशों को आधार बनाकर मेरा इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ। एक बच्चा कर सकता है एनएसएस को ज्वाइन, और एनएसएस 1988 से स्कूल लेवल पर भी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद में स्कूल में 11th 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट एनएसएस को ज्वाइन कर सकता है। और मैं सभी युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं सब ज़रूर ज्वाइन करें, एक माध्यम मिलता है समाज सेवा से जुड़ने का, अपने समुदाय से जुड़ने का, जिस समुदाय में हम रहते हैं उनकी समस्या जानने का, क्योंकि कई बार फील्ड वर्क पे सोशल वर्क एम जो मास्टर सोशल वर्क में कर रहे होते हैं उनको फील्ड वर्क पर जाना ही होता है, या कभी आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब समुदाय से जुड़ी समस्याओं को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम किस तरह से अपने कार्य में एफिशिएंसी ला पाएंगे। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी किन योजनाओं के माध्यम से, या व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना एक अच्छा माध्यम है स्वयंसेवकों के लिए, मतलब छात्रों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए। तो मैंने स्कूल से ज्वाइन किया और उसके बाद में कॉलेज में भी कंटिन्यू किया, और उसके बाद में जब एक्टिविटीज़ की और भारत सरकार को जब लगा कि ऐसे कुछ नवाचार बहुत अच्छे हैं, विशिष्ट हैं,
तो उसके लिए भारत सरकार ने चयन किया। तो आप भी ऐसे स्वयंसेवक बन सकते हैं जो जिसका इस स्तर तक चयन हो। और मेन मोटिव ये चयन नहीं, मेन मोटिव तो समुदाय में बदलाव लाना होना चाहिए। अगर समुदाय में बदलाव आएगा, अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ये सब ये पुरस्कार तो हमारे कार्य को मान्यता देते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारे सम्मान पुरस्कार प्राप्त होंगे, लेकिन मेन मोटिव कभी भी पुरस्कार नहीं। मेन मोटिव सामाजिक सेवा का कार्य होना चाहिए, जो हम जिसके लिए हम मुख्यतः NSS या किसी अन्य संस्था से जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति इस मुकाम तक बड़ी ही आसानी से अगर सही ढंग से कार्य करता चले तो जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सौरभ, बस एक जुनून, एक जज्बा, अंदर से एक उत्साह होना चाहिए कि हमें हाँ परिवर्तन लाना है, हमें चेंज में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, एक सहभागी बनना है, ताकि हम बदलाव ला सकें। जुनून और जज्बे की तुमने बात कही, जुनून और जज्बे के लिए आपके जो BU के एक जो स्वतंत्र इकाई की एक व्यक्तित्व है, हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री राहुल सिंह परिहार सर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी हैं आदरणीय सर, और हम सभी के मेंटोर भी हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब कहा जाए कि राष्ट्रीय सेवा योजना को जो जीना सिखाया वो आदरणीय सर ने हम सभी को सिखाया, बहुत सारे अवसर दिए। एक कुशल नेतृत्वकर्ता अगर किसी ने हमें बनाया है तो आदरणीय सर ने बनाया। मतलब बोलते ना, एक गुरु होता है वो पारस पत्थर की तरह होता है, अगर वो बच्चे को छू ले तो वो सोने में स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कह सकते हैं सर के बारे में, आदरणीय सर हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। कुल मिलाकर अगर इस ये जो सम्मान मिलने वाला है उसके लिए किसी को श्रेय दिया जाए, या फिर जिन लोगों ने तुम्हारे इस आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनको धन्यवाद देना चाहो या उनके लिए कोई संदेश देना चाहो, तो वो क्या रहेगा? समाचार अड्डा के माध्यम से अगर आप कुछ उन तक पहुंचाना चाहें तो वो क्या रहेगा? डेफिनेटली मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक मेरा अकेला काम नहीं होता है पूरी तरह से। अगर मैं चाहता भी तो मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। मतलब आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ वर्क डन बाय माय टीम, मतलब मेरी टीम ने जो काम किया है उसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, एक इस तरह से कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी टीम, जिसने हर पल मेरा सहयोग किया, मेरे साथ रही और हर एक विचार को एक नवाचार का रूप दिया, एक एक्टिविटी का रूप दिया और एक विराट रूप लेकर वो पूरे मध्य प्रदेश में जब गूंज होती थी, राष्ट्रीय स्तर तक उस गतिविधि की गूंज होती थी, बहुत अच्छा अनुभव होता था। तो सर्वप्रथम पहला श्रेय तो मेरी पूरी टीम को जाता है, NSS टीम, जो जिसमें मेरे बिल्कुल प्रिय साथी और मतलब हर पल साथ देने वाले, कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, एक मेरी साथी हैं ऋचा माथुर, शुभम झा, ये दो स्वयंसेवक ऐसे हैं जो मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और इनके बिना मैं अपनी NSS लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस लाइफ में, तो आपका भी आभार इस चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा आभार देना चाहूँगा मैं हमारी कार्यक्रम अधिकारी महोदया को, मतलब हर संस्था में कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, तो जिनके नेतृत्व में, जिनके निर्देशन में हम सभी गतिविधियों को संचालित करते थे, जिन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया, अपॉर्चुनिटीज़ दी कि हम संस्था से निकल कर बाहर संस्था का नाम कर सकें। और उसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राहुल सिंह परिहार सर का, हमारे मेंटर हैं और क्या कहें, सब बता ही चुके हैं उनके बारे में, शब्द कम है। मतलब उनके बारे में कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा, तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उनके लिए, बस आत्मीय आभार सर के लिए देना चाहूँगा। साथ ही आभारी व्यक्त करना चाहूँगा मैं हमारे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना सर का, आदरणीय सक्सेना सर ने भी बहुत सहयोग किया, हर पल मार्गदर्शन किया और जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती थी तो हम सबको उस अवसर प्रदान करते थे। तो आदरणीय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से, समाचार अड्डा के माध्यम से मैं उन सभी के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सहयोग किया इस जर्नी में, और आज मैं इस मुकाम तक अगर पहुँच पाया हूँ तो आप सभी के सहयोग, आप सभी के स्नेह, आप सभी के मार्गदर्शन के कारण पहुँच पाया हूँ, आप सभी के प्रति हार्दिक आभार। तो समाचार अड्डा भी यही कामना करता है कि तुम्हारा जो आगे बढ़ने का जो रास्ता तुमने चुना है उस पर तुम बढ़ते ही चलो और एक बेहतर स्थान पर पहुँचो। बिल्कुल सौरभ, बहुत दुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं जब मिलती हैं तो अंदर से एक बूस्ट अप होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित ही आप सभी की दुआएं, सभी का आशीर्वाद और सभी की जो विशेष हैं वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण है।
सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ मैं इन चीजों के लिए। तो चलिए हम कामना करते हैं कि समाचार अड्डा की जो विशेष सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी, जिसमें आप एक नए मुकाम पर पहुंचे और पुनः आप यहाँ पर आए और अपने जो अनुभव है हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद अक्षय कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, अपना अमूल्य समय हम लोगों के लिए देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत आभार जो समाचार अड्डा के माध्यम से मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, आप इतने सारे लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नगर के एक विशिष्ट व्यक्ति जो आगामी समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित होने वाले हैं और नगर सहित पूरे प्रदेश का देश भर में नाम रोशन करने वाले हैं। धन्यवाद, आशा है आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और रोचक जानकारी जानना चाहते हैं या रोचक चर्चाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल समाचार अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सौरभ था और आप समाचार अड्डा देख रहे थे।